नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों आज हम आपको एक अपडेट देने वाले हैं प्लम यानी आलू बुखारा के बारे में, कि ये किस तरीके का जो है तो फ्रूट दिखता है पकने के बाद। इससे पहले जैसे कि हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि प्लांटेशन कैसे की जाती है, कितने डिस्टेंस पर की जाती है, पानी कैसे देना है, इरिगेशन का क्या रहता है, स्प्रे के बारे में भी हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है तो आलू बुखारा यानी कि प्लम इस टाइम पे जो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए पूरे प्लांट के ऊपर जो है तो बहुत सारे फ्रूट्स इस टाइम पे आए हुए हैं। ये देखिए और यहाँ का टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करें तो इस टाइम आजकल के दिनों में जो है तो टेम्परेचर, आज 4 तारीख है तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कम से कम भी 40 डिग्री के अराउंड जो है तो टेम्परेचर जो है तो जा रहा है। और आप देख सकते हैं पूरी टहनी पे पत्तों से ज़्यादा फ्रूट दिख रहे हैं। ये देखिए अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो ये एक कैल्से वैरायटी है, और अगर आप हॉट क्लाइमेट एरिया में प्लांटेशन करना चाहते हैं तो आप सतलुज पर्पल हो गया, काला अमृतसरी है, कैल्से है, इन वैरायटीज़ को आप जो है तो लगा सकते हैं। एज अ पॉलिनेटर भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि सेम चीज़ अगर देखी जाए तो आपको जो है तो प्लम के अंदर भी जो है तो पॉलिनेशन के लिए अलग अलग प्लांट रखने पड़ते हैं। जैसे कि आप सेंटर उजा है तो उसके साथ काला अमृतसरी लगा सकते हैं, कोई भी अदर वैरायटी आप जो है तो डाल सकते हैं बीच में। दोस्तों इसका जो फ्रूट है ये इस हिसाब से, दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमने भी जो है तो कुछ फ्रूट निकाले हैं पेड़ से। तो इस पेड़ की मतलब इस फ्रूट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो फ्रूट है वो लाल रंग का आपको दिखेगा इस तरह से, और इसका जो टेस्ट होता है छिलका इसका खट्टा रहता है और अंदर एक जो है तो बीज रहता है और साथ में अंदर से ये खाने में मीठा होता है। दोस्तों ये जो है तो कैल्से वैरायटी है, अभी मैं आपको जो है तो सेंटर रोजा वैरायटी के बारे में भी बताने वाला हूँ, देख लीजिए अच्छे से। इस पर हम लोग जो है तो कैल्शियम का स्प्रे लेते हैं और 12, 32, 16 भी हम लोग जो इसमें रूट्स में जो है तो डालते हैं। देखिए पत्तों से ज़्यादा इसके अंदर जो है तो फ्रूट इस टाइम पे दिख रहे हैं। आज हम लोग जो है तो इसकी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। यदि आप भी गर्म इलाकों में जो है तो इसकी खेती करना चाहते हैं तो बेझिझक आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाईएस्ट 40 डिग्री अभी तक का जो है तो गया हुआ है, जिसमें कि प्लांट प्रॉपर तरीके से जो है तो सर्वाइव कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता है, जिसमें हम लोगों ने पिछले साल बहुत ही हैवी कटिंग करी है, और आप साइज़ देख सकते हैं अभी जो है तो फ्रूट का जो साइज़ है, ये देखिए ये सेंटर रोजा वैरायटी है, अभी फ्रूट ग्रोइंग स्टेज पे है। अगर मैं आपको एक फ्रूट तोड़ के दिखाऊँ ना, ये देखो एक अखरोट के दाने जितना जो है तो उसका फ्रूट अभी तक बन रहा है, और अभी जो है तो ये फ्रूट बढ़ रहे हैं, लेकिन इस साल यहाँ पे ना कम फ्रूटिंग आई है क्योंकि कटिंग बहुत हैवी करी हुई थी, इस साल बहुत ज़्यादा हैवी कट मारे हैं ताकि इसकी ग्रोथ को रोका जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पेड़, देखिए इसलिए अभी इस पे थोड़े बहुत जो फ्रूट आए भी हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साइज़ जो है तो आ रही है इनके ऊपर। अभी आपको एक और पेड़ दिखाता हूँ यहाँ पर, दोस्तों ये देखिए ये एक और वैरायटी है। इस वैरायटी का जो फ्रूट रहता है आप देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी वैरायटी है, नीचे मेंशन कर दूंगा इसको। दोनों वैरायटीज़ में काफ़ी फ़र्क है, देखिए दोस्तों आप भी जो है तो प्लम की फार्मिंग जो है तो हॉट एरिया में बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है इसमें, कुछ पॉलिनेटर ज़रूर ऐड करने होते हैं। आप जो है तो सेंटा रोज़ा के साथ
जो है तो काला अमृतसरी ऐड कर सकते हैं या फिर आप शतरूज पर्पल ऐड कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है कि आप कोई सा भी एक आध प्लांट जो है तो इसका डाल दीजिए बीच में, ताकि वो जो है तो एज अ पॉलिनेटर काम कर सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अभी मैं आपको छोटा सा एक और वो बता देता हूँ कि पानी का विशेष ध्यान रखा जाए जब भी आप फ्रूटिंग किसी भी प्लांट से ले रहे हैं, तो उसमें जो है तो पानी विशेष रहता है। अगर पानी की कमी अगर फ्रूट्स में रहती है तो वहाँ पे साइज छोटा होने की दिक्कत आ सकती है। वैसे ही सेम चीज़ जो है तो इसमें पानी प्रॉपर दें और साथ में गोबर खाद का यूज़ होना चाहिए। और इस टाइम पे जो है तो आप देख सकते हैं अभी हम हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, वो भी मैं आपको जो है तो दिखा देता हूँ। और ये कुछ वैरायटीज़ हमने जो है तो लगाई हैं जिसको हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। आप हमारी डिस्क्रिप्शंस को ज़रूर पढ़ा करें और अपने सुझाव जो है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें।